हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस। आज हमारे सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट सेकंड है, तो जो लोग अभी ये हमारा पार्ट पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे प्रीवियस पार्ट को देख लें ताकि उन्हें हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ओके, क्योंकि हमने जो है आपके पार्ट फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर कर दिया था कि इसमें जो है कौन कौन से टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा क्या है, जैसे कि एग्जांपल से आप जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्या है हमारा, पांच मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, पांच जो है हमारे फ्रेंड है जो एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई ओर है बी के, लेकिन क्या है हमारा, दाई ओर है सी के। तो फिर क्या है हमारा, डी बी के दाई ओर है लेकिन ई के बाई ओर है। तो बेंच के छोरों पर बताना कौन है, मतलब बेंच के जो साइड में वो हमें बताना है कि कौन है। ओके, तो देखते हैं, पांच मित्र हैं एक बेंच पर बैठे। मान लिया पांच मित्रों में कोई एक दो तीन चार पांच, इस टाइप से हमारे कोई पांच मित्र हैं जो एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ए के बाई ओर। अब देखो बाई और दाई ओर क्या होता है, जैसे मान लिया क्या है हमारा, अगर जो ए है तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग बाई ओर, और जो राइट साइड होता है उसे हम बोलते हैं क्या, दाई ओर। ओके, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, ए बाई ओर है बी के। ठीक है, ए क्या है, बाई ओर है बी के। अब जो पढ़ा इस लाइन को देखिए पूरा सा लिखिए यहाँ पर, ए बाई ओर है बी के, तो बी के बाई ओर है, ए जो है बाई ओर है बी के। हो गया, ए जो है आपका बी के बाई ओर हो गया। ओके, लेकिन दाई ओर है सी के। जो ए की बात हो रही है, जो बाई ओर था बी के हो गया, लेकिन दाई ओर है सी के। देखिए सी के जो हो गया दाई ओर, और ए अगर बी बी के रिलेशन में अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या है, तो बी के जो बाई ओर है और सी के हमारा जो ए है वो दाई ओर है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा इन्हें समझने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए जो अगला क्या दे रखा है, डी जो है बी के दाई ओर है, डी जो है बी के दाई ओर है, तो बी के राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या कह रहे हैं, ई के बाई ओर है। अब डी जो है वो बी के तो दाई ओर है लेकिन ई के बाई ओर है। अब डी जो है ई के जो हमारे क्या हो गया, बाई ओर हो गया, ई के लेफ्ट साइड में हमारा डी हो गया। तो ये आपका जो आगे जो आपके जो पांच मित्र हैं वो किस टाइप से बैठे होंगे, इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा, सी ए बी डी ई, ये हमारे पांच मित्र जो रेखीय क्रम में, इस ऑर्डर में आपके क्या है, बैठे हुए हैं। ओके, तो अब क्या पूछ रहे हैं, बेंच के छोरों पर कौन है, मतलब बेंच के किनारे पर कौन बैठा है, तो बेंच के किनारे पर आपका कौन होगा, सी एंड ई। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंच के छोरों पर कौन होंगे, तो बेंच के छोरों पर हमारे कौन होंगे, सी और ई होंगे, ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, देख लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, देखिए अब क्या हमारा, छह लड़के, क्या हमारा छह लड़के क्या एक पंक्ति में बैठे, मतलब क्या हमारा छह लोग, छह लड़के हैं वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो है आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर जो है आपका आरआरबी में पूछा गया था। तो छह लड़के आपके क्या एक पंक्ति में बैठे हैं, जॉन्स और मनु की स्थिति जो है राजू के सन्निकट है, सन्निकट का मतलब क्या है, मतलब दाएं बाएं बैठे हुए हैं। ओके, और उदय के सन्निकट गोपी और राम है, तो क्या दे रखा है यहाँ पर, गोपी जॉन्स अथवा मनु, ठीक है, गोपी जॉन्स अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है, राजू भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, तो जॉन्स के सन्निकट कौन बैठा है। ओके, तो छह दोस्त हैं, ये भी क्या है, किस हिसाब से बैठे हैं ये आपके, रेखीय क्रम बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच, छह दोस्त हैं जो इस टाइप से आपके बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या है, जॉन्स और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। देखो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन से कंडीशन बनेंगे, एक तो आपको क्या है, जॉन्स और मनु आपके इस टाइप से होंगे, और ये किसके सन्निकट है, राजू के।
ठीक है, एक कंडीशन आपकी ऐसे बन सकती है, देखिए मनु आपका पहले दे रखा होगा, ठीक है, राजू तो बीच में है ही क्योंकि राजू सर निकट है इन दोनों के, और यहाँ पर आपके क्या आ सकता है, जॉन्स आ सकता है, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर कौन सा आएगा। आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उदय के सन्निकट गोपी और राम है, गोपी और राम के बीच, उदय जो है गोपी और राम के सन्निकट में, ये होगी इस कंडीशन, गोपी और राम यहाँ बीच में आ गया उदय, और ये भी तो हो सकता है हमारा राम पहले हो जाए और गोपी बाद में हो जाए, तो ये हो सकता है हमारा। अब देखिए हमारी जो अगली लाइन में हमारा क्या दे रखा है, गोपी जो है जॉन्स अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है, जो गोपी जो है जॉन्स मनु या किसी से भी जो है आगे नहीं है, गोपी जो है किसी से भी आगे नहीं है, यानी कि गोपी हमारा सबसे पीछे होगा, तो इन दोनों में हमारा गोपी कौन सा पीछे होगा, तो याला तो हमारा देखिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो याला तो हमारा सही हो गया, गोपी जो है सबसे पीछे है, ठीक है, किसी से भी अगला नहीं मतलब किसी से भी आगे नहीं है, इसलिए हमारे सबसे पीछे रहेगा। आगे क्या हमारा, राजू भी मनु से अगले स्थान पर नहीं है, अब राजू क्या है मनु से अगले स्थान पर नहीं है, अब यहाँ तो मनु से आगे दे रखा है, यहाँ देखिए क्या है, राजू जो है मनु के अगले स्थान पर नहीं है, ठीक है, ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, राजू भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, यहाँ क्या है मनु से पहले वाले स्थान पर राजू बैठा है, ठीक है, और यहाँ क्या है मनु से पहले मनु सबसे आगे बैठा, तो उससे आगे कोई है नहीं, तो याला आपका क्या हो गया, याला भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब जॉन्स के सन्निकट कौन बैठा है, अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बैठे हुए मनु, राजू, जॉन्स, राम, उदय और गोपी, तो 6 मित्र जो है वो इस ऑर्डर में आपके बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, तो जॉन्स के सन्निकट कौन बैठा है, तो जॉन्स आपका ये, इसके सन्निकट कौन बैठा है, एक तो राजू बैठा है और दूसरा राम बैठा है, तो आपका आंसर आ जाएगा राजू और राम, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। इसके हम आपको वृत्ताकार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर सर्कुलर वाले, वो भी हम आपको समझाएंगे बट अगले पार्ट में, तो आप इस पार्ट को जो है पूरा देखते रहिए, और एक बार अगर आप हमारे सारे पार्ट्स जब आप देख लेंगे तो आप जो है सीटिंग अरेंजमेंट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके, तो आप हमारे पार्ट पर बने रहिए और इसको देखते रहिए। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, ये भी आपका क्या एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बैंकिंग में आया हुआ है आपका, ये क्या है देखिए, एल P Q R S T और W उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हॉरिजेंटल वाला ही क्वेश्चन है, मीन्स क्या आपका रेखीय क्रम में है आपका ये, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा वाला, तो एक मिनट रुकिए, तो क्या है यहाँ पर, एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, मतलब क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, देख सकते हैं आप, एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू, ये सभी लोग क्या है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की अगर आपसे बात करें तो देखिए डायरेक्शन आपकी कैसे होती है, आपका जो ऊपर साइड में होता है वो आपका होता है उत्तर, यहाँ पर होता है आपका दक्षिण, इस साइड में होता है आपका पूरब और इधर साइड में होता है आपका पश्चिम, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो आपकी इस तरीके से डायरेक्शन होती है, बात हो रही है यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और सीधी पंक्ति में बैठे हैं, तो ये सभी लोग क्या उत्तर की ओर मुख करे हुए हैं और क्या एक सीधी पंक्ति में ये हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, बट ये इसके अकॉर्डिंग थोड़े ना बैठे हैं जैसे बता रखा है, अब ये देखिए अगले जिसके केस दे रखे हैं इनको पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपका, पी जो है एल के बाएं को चौथे स्थान पर है, एल के बाएं का चौथा स्थान हमारा कौन सा, पहले तो हमें लिखना है यहाँ पर एल, कैसे देखिए एल है हमारा, एल का बाया किधर होगा, इधर की इधर मतलब लेफ्ट साइड, बाएं मीन्स लेफ्ट, तो लेफ्ट होता है इधर साइड में, और बाएं का चौथा नंबर, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और चौथे स्थान पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है,
देखिए क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। पी जो है एल के बाय को चौथे स्थान पर, और एल जो है क्यू के बाय को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया आपका। अब क्या है यहाँ पर, एल जो है क्यू के बाय को दूसरे स्थान पर है, एल जो है हमारा वो क्यू के बाय यानी क्यू अगर यहाँ पर होगा हमारा, इसका बाएं साइड होगा इधर, और उसके कौन से स्थान पर बैठा, दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान एक ये हो गया, और दूसरे स्थान पर हमारा क्या बैठ गया, एल बैठा हुआ है। ठीक है आपका ये हो गया। ठीक है तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर पी जो है वो एल के बाएं के चौथे स्थान पर है, और एल हमारा क्या है क्यू का बाया जो है उसके दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगला केस में हमारा क्या है, आर जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एल का निकटतम पड़ोसी क्या नहीं है, आर नहीं है, मतलब आपका क्या है आर, और आर यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका आर एक तो यहाँ आ सकता है, और यहाँ भी आपका आर आ सकता है, तो इन दो जगह भी आपका आर आ सकता है। और आगे क्या रखा है, एस के एकदम दाएं को बैठा है, आर जो है वो एस के एकदम दाएं को बैठा है। एस के एकदम दाएं कौन होगा, अब देखिए एस है इसका एकदम दाएं मतलब राइट साइड में कौन बैठा है, आपका आर बैठा है, तो ऐसे होगा ना कि आपका आर एस होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बायां हो रहा है। इसलिए हमारे क्या है जो आर जो है वो क्या है एस के एकदम दाएं है, आपका जो आर है वो एस के आपके एकदम बिल्कुल दाएं बैठा हुआ है। ओके अब देखते हैं क्या है, टी जो है डब्ल्यू के बाय को दूसरे स्थान में बैठा है। अब यहाँ पर जो आपका जो टी है, देख रहे हैं आपको टी जो है डब्ल्यू का बायां, अब यहाँ पर डब्ल्यू जहाँ होगा, अगर सपोज दैट अगर आपका डब्ल्यू इस साइड में हुआ, तो डब्ल्यू का बायां कौन सा दूसरा होगा, एक और दो, दूसरा स्थान यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा टी होगा। तो देखिए आपका ये पूरा सेट हो गया, यहाँ पर है टी, टी डब्ल्यू का बायां मतलब मीन्स इस साइड में, और उसका कौन सा स्थान पर बैठा, दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा। तो आपका कौन सा ऑर्डर, क्या ऑर्डर आया आपका, ये P S R T L W Q। तो जो आपके जो मित्र थे वो उत्तर की ओर मुख करके इस ऑर्डर में बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने पर बैठा हुआ है। तो कौन सा कोना जो है पंक्ति के मतलब मीन्स लाइन के सबसे अंतिम छोर पर बैठा है, एजेस कौन सी हमारी, पी और क्यू है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर आपका आर है और डब्ल्यू है, इसके बीच कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, कौन कौन से, टी और एल। तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, दो लोग बैठे हुए हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके समझ में आ रहा है ना आपके, अगर आपका समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है अगर कोई भी आप कंफ्यूजन हो तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है बीएसए ट्रिकी क्लासेस नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एस के संबंध में एल का क्या स्थान है, एस के संबंध में एल का क्या स्थान है, तो एल का क्या स्थान है एस के संबंध में, तो एस के एल क्या है, पहला दूसरा तीसरा, और कौन से साइड में, राइट साइड में यानी कि दाया, तो क्या है दाएं का तीसरा स्थान है, एस जो है वो एल के, एच जो है वो एल जो है वो एस के दाएं का तीसरे स्थान पर है, तो कौन सा जाएगा एकदम दाएं का तीसरा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। ओके अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस रिलेटेड वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के आधार पर निम्नलिखित पांच में से किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा समूह है जो समूह में नहीं आता है। अब देखिए क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका पी और आर, देख रहे हैं आप पी से जब आर पर जा रहे हैं मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर आगे आ रहे हैं, और कितना लेटर के बाद आ रहा है, ये एक लेटर छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अगला क्या है आपका एस टी है, तो एस टी देखा जाओ ना तो क्या हुआ हमारा, यहाँ आ गया। देखिए ये भी आपका क्या है लेफ्ट से राइट साइड में आ रहा है, मीन्स क्या है बाएं से दाई ओर आ रहा है, और एक बीच में प्लेस छोड़कर आ रहा है।
अगला ऑप्शन देखिए आपका क्या है यहाँ पर, एल और क्यू है। ओके तो एल और क्यू में भी देख लीजिए, ये भी आपका क्या है लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, और बीच में आपका क्या है एक लेटर आ रहा है, बीच में क्या है आपका एक स्थान है। उसके बाद क्या आपका एल और आर, अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एल और आर में क्या है, ये आपका क्या हो रहा है राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, और बीच में इसके भी एक स्थान है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर ऑप्शन रखा है टी और डब्ल्यू, और टी और डब्ल्यू की बात करें तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो कहने वाली बात क्या है, तो चार हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं पी क्यू एस टी एल क्यू और टी डब्ल्यू, ये हमारे क्या है सब हमारे ये जो ऑप्शन हमारे सारे के सारे क्या है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, बट जो हमारा जो एक ऑप्शन था एल और आर, ये हमारा क्या है ये हमारा राइट से लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो समूह में नहीं आता है वो है हमारा एल आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि सभी व्यक्ति को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था में तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं हमारे क्या ऑप्शन किस टाइप से लिखा था, यहाँ पर अलग साइड में लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर क्या था हमारा पी एस आर टी एल डब्ल्यू क्यू, ये तो हमारा ऑर्डर है, बट ये किसकी बात कर रहा है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर बैठा दिया जाए, तो पहले हमारा आएगा यहाँ पर एल, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू आर एस टी डब्ल्यू। तो हमने जब इसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट किया तो पूछ रहे हैं कौन से मतलब मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ भी आपका कोई स्थान क्या है यहाँ पर, ये भी कुछ मतलब कुछ भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका क्या है सभी व्यक्तियों का स्थान क्या होगा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ अगर जैसे क्या होता है आपका ये आपका जैसे कि है पी एस आर टी एल डब्ल्यू क्यू, और यहाँ पर जैसे क्या आ जाता है जैसे कि वैसे वर्णक्रम में व्यवस्थित करते हैं मान लेते हैं, वैसे तो यहाँ पर होगा नहीं ऐसा, जैसे यहाँ पर आ गया एस, फिर यहाँ आ गया आर, फिर आ गया डब्ल्यू एल, फिर आ गया क्यू, इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे मान लिया आ जाता तब हमारे क्या होता, देखिए ये जो है हमारा इसका स्थान क्या हो रहा है परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसमें इसी बात को पूछा जा रहा था। ओके बट इसमें क्या है आपका सारे प्लेसेस आपके सारे जो वैल्यू अलग है, जब हमने इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट किया तो आपके क्या है सभी के जो मूल व्यवस्था के हिसाब से जो सब लगे हुए थे वो क्या होगा सभी के स्थान परिवर्तित हो गए, तो आपका क्या है कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो कोई नहीं क्योंकि सभी के सभी लोगों का स्थान क्या हो गया है परिवर्तित हो गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ओके अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, और हमारे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए इस टॉपिक को समझने में, और भी हम आपको और भी आगे टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।